टुडे अवर टॉपिक इज पंक्चुएशन मार्क्स। आज हम देखेंगे कि पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं और किस तरह से हम इसको अपनी इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पे ये मार्क्स यूज़ होते हैं और इन मार्क्स को यूज़ करने का मकसद क्या होता है। तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप टू शो द एंड ऑफ ए सेंटेंस। जब हम किसी सेंटेंस को ख़त्म कर रहे होते हैं तो हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। फुल स्टॉप आपका सिंपल सेंटेंस में यूज़ होता है, माइल्ड कमांड में यूज़ होता है, जैसे कि वुड यू प्लीज़ फास्टन योर सीट बेल्ट्स। इस तरह की अगर कमांड होगी जिस पर आप ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहे होंगे तो उसमें आप फुल स्टॉप यूज़ करेंगे, या इनडायरेक्ट क्वेश्चन होगा तो वहाँ पर भी आप फुल स्टॉप यूज़ करेंगे, जैसे कि शी आस्क्ड whether I would have it completed by 5 o'clock, तो यहाँ पे भी आप फुल स्टॉप यूज़ करेंगे। या सिंपल सेंटेंस ही बिलोंग्स टू ए नोबल फैमिली, इस तरह का अगर कोई सिंपल सेंटेंस है तो वहाँ पे भी आप फुल स्टॉप यूज़ कर सकते हैं। टू शो एब्रीवेशन और शॉर्टनिंग, या हम किसी चीज़ की एब्रीवेशन करना चाहते हैं या किसी चीज़ को शॉर्ट करने के लिए हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं, जैसे कि ईजी यूज़ करते हैं जिसका मतलब है एग्जाम्पली ग्रेशिया, जो कि लैटिन वर्ड है और इसको हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, ईजी फॉर एग्जाम्पल। इसी तरह आई डी एस्ट जो कि एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है दैट इज, ईजी फॉर एग्जाम्पल, आई ई इज फॉर दैट इज। तो इन मकसद के लिए हम फुल स्टॉप यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क is a unit of and punctuation used to show that the preceding sentence is interrogative, asking a question. Question mark आप सेंटेंस के एंड में यूज़ करते हैं और ये आपको ये बताता है कि आपने जो स्टेटमेंट दी है वो इंटेरोगेटिव है, या आपकी स्टेटमेंट एक क्वेश्चन है। आपके क्वेश्चन डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं, जबकि डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन मार्क यूज करना होगा, जैसे कि वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर द बेनिफिट्स एटसेट्रा। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप उसमें क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। उसके बाद आपके पास आ जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क। दिस इज ए यूनिट ऑफ एंड पंक्चुएशन यूज टू इंडिकेट अ फोर्सफुल लाउड और एंग्री रिमार्क। ये ऐसी स्टेटमेंट है जो आप, ये ऐसा मार्क है जो आप अपनी स्टेटमेंट में यूज करते हैं ताकि आप अपनी स्टेटमेंट में अग्रेशन, फोर्सफुल या एंग्री रिमार्क्स या अमेजिंग रिमार्क्स ला सकें, जैसे कि ओह यू आर रेडी बॉट अ न्यू कार, वाओ दिस माउंटेन इज इवन बिगर देन आई थॉट। तो इस तरह के सेंटेंस में आप एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करेंगे जो कि आपकी एंग्रीनेस, फोर्सफुलनेस। टू मैक्सिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क्स मिनिमाइज देयर यूज, अगर आप चाहते हैं कि एक्सक्लेमेशन मार्क का इम्पैक्ट ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा फोर्सफुल हो, तो आप अपने पैराग्राफ में उसका इस्तेमाल कम से कम करेंगे, यानी कि एक लाइन में या दो लाइन में आप उसको इस्तेमाल करेंगे, ना कि आप पूरे पैराग्राफ में इस मार्क को यूज करेंगे। इसका इम्पैक्ट ज्यादा से ज्यादा दिखाना है तो आपने इसको कम से कम यूज करना होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कोमा। द कोमा इज ए यूनिट ऑफ पंक्चुएशन इंटरनल टू ए सेंटेंस यूज्ड टू शो ए सेपरेशन ऑफ आइडियाज और एलिमेंट्स। इट इज यूज्ड टू लिंक क्लॉजेस विद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोमा एक ऐसा यूनिट ऑफ पंक्चुएशन है जो आप दो सेंटेंसेस को लिंक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या दो क्लासेस को लिंक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब वो दो क्लासेस डिपेंडेंट हो सकती हैं, इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, या डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, और उनको आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से लिंक करते हैं, जैसा कि शी सेड दैट शी वुड फैक्स मी बट आई हैव रिसीव्ड नथिंग सो फार। तो कोमा हमने दो क्लासेस को लिंक करने के लिए इस्तेमाल किया और हमने बट को एज ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज किया। इसी तरह अगली एग्जांपल है, इट साउंडेड लाइक अ बस बट द स्ट्रीट वाज एम्प्टी ऑफ एनी व्हीकल। तो यहाँ पे भी हमने कोमा यूज किया दो सेंटेंसेस या क्लासेस को लिंक करने के लिए और हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट यूज किया। उसके बाद आ जाता है कोमा एंड एटम्स इन ए सीरीज। कोमा को हम सीरीज ऑफ एटम यूज करते हुए भी यूज करते हैं, जैसे कि वी विल नीड कॉस्टिंग ऑन कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, स्क्रीन्स एंड मोडेम्स। तो हम नंबर ऑफ एटम्स को सेपरेट करने के लिए भी कोमा यूज करते हैं। इसी तरह दे वॉक्ड इन, लुक्ड अराउंड एंड देन वॉक्ड आउट अगेन। इट इज ऑल्सो यूज इन आफ्टर सैल्यूटेशन
after closings with title and addresses in a letter. और हम अक्सर औकात अपने letters में comma को salutation के बाद use करते हैं, closing के बाद use करते हैं, या हम title और address लिखते हुए comma use करते हैं. उसके बाद हमारे पास आ जाता है semicolon. The semicolon is a unit of punctuation internal to a sentence that usually separates two clauses linked in meaning. सेमीकोलन को भी आप सेंटेंसेस के दरमियान में यूज करते हैं या दो क्लाजेस को लिंक करने के लिए यूज करते हैं और दो ऐसी क्लाजेस को लिंक करने के लिए यूज करते हैं जो मीनिंग के लिहाज से आपस में लिंक करती हूँ. जैसे कि आई वॉज एंग्री विद हर सेमीकोलन शी वॉज एंग्री विद मी. इसी तरह एक और एग्जाम्पल है आपके पास हैंडलिंग डेटाबेस वाज वन ऑफ हर स्किल्स हैंडलिंग सेपरेट शीट्स वाज एन अदर. तो लिंक्ड मीनिंग वाली क्लासेस को हमने सेपरेट करने के लिए सेमीकोलन यूज किया. उसके बाद सेमीकोलन एंड कंजंक्टिव एडवर्ब. सेमीकोलन को हम कंजंक्टिव एडवर्ब के साथ भी यूज करते हैं. द सेमीकोलन इज ऑफन यूज्ड टू लिंक क्लाजेस दैट स्टार्ट विद ए कंजंक्टिव एडवर्ब एज सम राइटर्स बिलीव दैट द फुल स्टॉप इज टू स्ट्रॉन्ग. तो सेमीकोलन को हम कंजंक्टिव एडवर्ब के साथ लगा के भी यूज करते हैं क्योंकि बाज राइटर ये समझते हैं कि फुल स्टॉप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है. She has the qualification semicolon consequently. Consequently को हमने as a conjunctive adverb use किया. उसके बाद हम comma use करेंगे. She must be considered to be a candidate for the job. तो इस तरह से हम semicolon और conjunctive adverb को sentence में use करेंगे. एक और example हमारे पास आ जाती है. The machine is producing only 305 units an hour. Separate किया हमने semicolon से. उसके बाद conjunctive adverb use किया therefore. We know that something is amiss. तो इस तरह से हमने दो sentence को separate किया और हमने conjunctive adverb use किया semicolon के साथ. उसके बाद आपके पास आ जाता है colon. The colon is used primarily to link a clause to a word, phrase or an other clause that amplifies, exemplifies or summarizes it. Colon को हम दो clauses या word को या phrase को आपस में link करने के लिए use करते हैं या किसी चीज को हमने amplify करना हो, exemplify करना हो या summarize करना हो. यानी कि हमने किसी word की example बतानी हो तो उसको हम semicolon के बाद बताएंगे. कोई हमने लिस्ट बतानी हो उसको हम सेमीकोलन के बाद बताएंगे या किसी बात को हमने समराइज करना हो तो उसके लिए हम सेमीकोलन यूज करेंगे. जैसा कि हमारे पास एग्जांपल है दिस सिस्टम हैज इवन ग्रेटर कैपेसिटी इट कैन होल्ड 2000 गीगाबाइट्स ऑफ डाटा. तो हम उस सिस्टम की कैपेसिटी को मजीद समराइज कर रहे हैं, उसको मजीद एलोबरेट कर रहे हैं कि वो सिस्टम कैसे बहुत ज्यादा कैपेसिटी रखता है. तो इस तरह के सेंटेंस जिनको हमने मजीद एम्पलीफाई करना हो, एग्जाम्पलीफाई करना हो या समराइज करना हो तो उसके लिए हम कोलन यूज करते हैं. इसी तरह एक और एग्जाम्पल है हमारे पास वी हैव ओनली वन एम दिस ईयर टू बीट द कंपटीशन हैंड्स डाउन. तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम कोलन यूज करते हैं. The colon is also used to introduce a list or series. Colon को आप उस वक्त भी use करते हैं जब आपने किसी भी चीज की list देनी हो, कोई भी आपने series बतानी हो उस heading के बारे में तो आप colon use करते हैं. जैसा कि हमारे पास example है production level in the final analysis will depend upon three factors. तो यहाँ पे हमने semicolon यूज किया. ये इसलिए यूज किया कि हम आगे कुछ लिस्ट देना चाह रहे हैं तो उस लिस्ट को लिखने के लिए हम सेमीकोलन यूज करते हैं. और लिस्ट हमारे पास है गुड वेदर लो इक्विपमेंट डाउन टाइम एंड हारमोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशंस. तो इस लिस्ट को डिफाइन करने के लिए हमने कोलन यूज किया. इसी तरह द कोलन कैन आल्सो बी यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन. अगर आपने किसी की कोटेशन बतानी है तो उसके लिए भी आप कोलन यूज करते हैं और हमेशा आप कोट को इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं. जैसे कि आपके पास एग्जांपल है वन एक्सपर्ट सम्स इट अप दस सेमीकोलन इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट द ग्रीन हाउस इफेक्ट कुड बी substantially slowed if people simply walked, used bicycles or drove electric cars, inverted comma close, full stop. तो
इस तरह से आप कोलन लगा के कोई भी कोटेशन यूज कर सकते हैं। तो कोलन हमारे पास सीरीज या लिस्ट को डिफाइन करने के लिए यूज होता है, किसी चीज को एग्जाम्पलीफाई या समराइज करने के लिए यूज होता है, या अगर आप किसी की कोटेशन बता रहे हैं, किसी की हुई बात को बता रहे हैं, तो तब भी आप कोलन यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एपोस्ट्रॉफी। The apostrophe is a unit of punctuation used to show umayyan and words in possessive case. Apostrophe को हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमने कोई वर्ड ओमिट करना हो या हमने कोई पोजेसिव केस लिखना हो। The apostrophe has two main uses: to show possession or ownership in nouns and indefinite pronouns. Second है to show that one or more letters have been omitted from a word. यानी कि apostrophe को आप उस वक्त यूज करेंगे या तो आप किसी की मलकियत को शो कर रहे होंगे तब आप apostrophe और उसके बाद s यूज करेंगे, या अगर आप कोई लेटर ओमिट करना चाहते हैं, कोई लेटर शॉर्ट करना चाहते हैं, तब भी आप एपोस्ट्रॉफी को यूज करेंगे। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है द बर्ड्स क्राई, तो यहाँ पे हम पोजेशन को यूज कर रहे हैं। द रिपोर्ट्स कंक्लूजंस, यहाँ भी हम पोजेशन को यूज कर रहे हैं। थर्ड पे हमारे पास आ जाता है कांट, इज यूज फॉर कैन नॉट, तो कैन नॉट को हमने शॉर्ट करने के लिए कांट यूज किया और हमने ओ को ओमिट कर दिया। इसी तरह वी हैव में हमने एच ए को ओमिट कर दिया और वी एपोस्ट्रॉफी वी ई लिख दिया, जिसका मतलब है वी हैव। इसी तरह हुज इज यूज्ड फॉर हु इज, इट एपोस्ट्रॉफी एस इज यूज्ड फॉर इट इज, इसको हम इट इज लिखने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन मीन्स हम वर्ड्स को किस वक्त कैपिटल लिखेंगे, किस वक्त कैपिटल नहीं लिखेंगे, कौन से नाउन्स होंगे, कौन से प्रोनाउन्स होंगे, कौन से प्रॉपर नाउन्स होंगे, कौन से प्रॉपर एडजेक्टिव्स होंगे जिनके लिए हम कैपिटलाइजेशन यूज करेंगे। तो हम एग्जांपल देख लेते हैं, प्लीज वॉक डाउन दिस स्ट्रीट, तो यहाँ पे सेंटेंस का पहला वर्ड उसको हमने कैपिटलाइज करना है, आगे कोई प्रॉपर नाउन या प्रॉपर एडजेक्टिव यूज नहीं हुआ तो हम किसी को भी कैपिटलाइज नहीं करेंगे। वॉक डाउन द स्ट्रीट, इसमें भी हम फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करेंगे और बाकी सेंटेंस को कैपिटलाइज नहीं करेंगे। और अगर आप प्रॉपर नाउन यूज कर रहे हैं तो आप फर्स्ट वर्ड कैपिटलाइज करेंगे, जैसे कि चाइना, इस्लाम, और इसी तरह अगर आप कोई प्रॉपर एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं तो आप फर्स्ट वर्ड कैपिटलाइज करेंगे, जैसे कि चाइनीज, इस्लामिक। उसके बाद हमारे पास आ जाता है parentheses and brackets. Parentheses and brackets are punctuation marks that allow a writer to add extra information, usually subsidiary to the main thrust of the sentence. Parentheses और brackets हम उस वक्त यूज करते हैं जब कोई हम additional information देना चाह रहे होते हैं, और ये additional information उस sentence के बारे में होती है जो कि हम लिख रहे होते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, शी परफॉर्म्ड पैरेंथेसिस स्टार्ट अनलाइक द अदर्स पैरेंथेसिस क्लोज एक्सट्रीमली वेल इन द टेस्ट। अगर हम इसको ऐसे कहते हैं, शी परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली वेल इन द टेस्ट, तो भी इसका मतलब वाजे हो जाता, लेकिन हम अनलाइक द अदर्स ऐड कर रहे हैं। हम ये वाजे करना चाह रहे हैं कि उसने बेहतर परफॉर्म किया है, बाकी लोग थे उन्होंने बेहतर परफॉर्म नहीं किया। तो हम एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अपने सेंटेंस में। जब भी हम कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे उसको हम पेरेंथिसिस या ब्रैकेट में लिखेंगे। जैसे कि हमारे पास अगली एग्जाम्पल है, द रिसर्च इज फंडेड बाय द हु। अब हु एक एब्रीवेशन है, उसको हम मजीद इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए उसकी हम फुल फॉर्म लिख देते हैं, जैसे कि हु स्टैंड फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से हमने अपने सेंटेंस को मजीद इंफॉर्मेटिव बना लिया, या किसी भी वर्ड को मजीद इंफॉर्मेटिव बना दिया। इसी तरह हम पैरेंथेसिस या ब्रैकेट नंबर में यूज करते हैं, लेटर्स में यूज करते हैं, या अगर हमने कोई लिस्ट देनी है या कोई सीरीज देनी है तो उसमें भी हम नंबर के साथ पैरेंथेसिस यूज करते हैं, जैसा कि हमारे पास ये एग्जांपल दी गई है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है द डैश। द डैश इज अ यूनिट ऑफ पंक्चुएशन यूज टू शो अब्रप्ट चेंजेस इन टोन और थॉट, हेसिटेशन और सस्पेंस, टू एम्फेसाइज अपोजिटिव्स और मॉडिफायर्स, एंड टू फॉलो एन इंट्रोडक्टरी सीरीज एंड फाइनल सीरीज एंड एक्सप्लेनेशन। डैश हमारी टोन में, हमारे सेंटेंस में चेंजेस लाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि अगर हमने कोई हेसिटेशन लानी हो, कोई सस्पेंस लाना हो, तो हम डैश यूज करेंगे, या अगर हमने किसी चीज को मॉडिफाई करना हो तो भी हम डैश यूज करेंगे,
या अगर हमने किसी चीज को एक्सप्लेन करना हो तब भी हम डैश यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल दी गई है, ही सबमिटेड हिज रिपोर्ट डैश इफ वी कैन डिग्निफाई इट विद सच अ टर्म 3 weeks लेट। तो इस तरह से उस रिपोर्ट पर मजीद एम्फेसाइज किया, उसको मजीद मॉडिफाई किया कि वो रिपोर्ट के बारे में क्या कहना चाह रहा है। इसी तरह द फाइनल आउटकम वाज डैश डिजास्टर। तो इस तरह से उसने सस्पेंस क्रिएट किया अपने सेंटेंस में। अगर हम हेजिटेशन या सस्पेंस क्रिएट कर रहे होंगे तो हम डैश यूज करेंगे। इसी तरह फेमाइन डिजीज वार डैश ऑल ऑफ दिस हैड हिट द समाल कंट्री इन द पास्ट 3 years। इस तरह से हमने अपने सेंटेंस को मजीद मॉडिफाई कर दिया, मजीद उसको एक्सप्लेनेटिव बना दिया। जब हमने अपने सेंटेंस में टून पुट करनी हो, नई थॉट पुट करनी हो, सस्पेंस क्रिएट करना हो या मॉडिफाई करना हो तो हम डैश यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाइफन। द हाइफन इज अ यूनिट ऑफ पंक्चुएशन यूज्ड टू लिंक पार्ट्स ऑफ ए कंपाउंड वर्ड और सिलेबल्स ऑफ ए वर्ड। हाइफन्स आर यूज्ड व्हेन वर्ड्स आर डिवाइडेड बिटवीन लाइंस, यूजुअली बिकॉज देयर इज नॉट एनफ रूम इन द लाइन टू गिव द वर्ड इन इट्स अनब्रोकन फॉर्म। हाइफन अक्सर औकात हम उन अल्फाज में यूज करते हैं जब हमारी लाइन एंड हो रही हो और वर्ड पूरा ना आ रहा हो, तो हम हाइफन यूज करते हैं और बाकी के अल्फाबेट हम नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देते हैं। तो हमने वर्ड को इस तरह ब्रेक करना है कि वो हमें मिसगाइड ना करे। जैसे कि अगर हम हाइफनेशन को इस तरह से हाइफन के साथ सेपरेट करेंगे तो ओन एक अलहदा वर्ड बनता है जो हमें कंफ्यूज करता है। तो इस तरह से हमने हाइफन यूज करना है कि वर्ड हमें सही तरह से समझ में आ जाए और हमें कंफ्यूज ना करे। तो हम उस वर्ड में इस तरह से हाइफन डालेंगे, जैसे हाइफन हाइफन यूज करके आगे एशन कर देंगे ताकि उस वर्ड को हमें जोड़ने में कोई मुश्किल पेश ना आए और कोई नया वर्ड ना बन जाए। इसी तरह को ऑप्ट भी हमें कंफ्यूज कर रहा है। इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हम को के बाद हाइफन यूज कर लेंगे और ऑप्ट को उसके बाद लिख देंगे। इसी तरह शेल लाइक, तो ये वर्ड भी कंफ्यूजिंग वर्ड है क्योंकि 3 times एल यूज हो रहा है इस वर्ड में। तो इसके दरमियान भी हम इस तरह हाइफन यूज करेंगे कि हमें कंफ्यूज ना करें। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे शेल हाइफन लाइक। इसी तरह अगर हमने कोई फ्रैक्शन लिखनी हो या कोई डबल डिजिट नंबर्स लिखने हो तब भी हम हाइफन यूज कर सकते हैं, जैसे कि 3/4 और 66। तो इस तरह के वर्ड्स में हम हाइफन यूज करते हैं ताकि हमारी कंफ्यूजन खत्म हो, जो वर्ड हमारी लाइन में पूरा ना आ रहा हो उसको हम नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करने के लिए हाइफन यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पैरेंथेसिस एंड ब्रैकेट्स। उसके बाद आपके पास आ जाता है एलिप्सिस। एलिप्सिस आपके 3 dots होते हैं। Ellipsis marks 3 full stops या इनको 3 full stops ही कहते हैं। Are used to indicate that matter has been removed from a sentence or larger unit of text. This is done to shorten and or to emphasize certain words or word grouping. Ellipsis को आप उस वक्त यूज करते हैं जब आप किसी भी लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट करना चाह रहे होते हैं या आप सिर्फ उन वर्ड को एम्फेसाइज करना चाह रहे होते हैं जो कि लॉजिकल होते हैं या जो आपके आइडिया को बेहतर तरीके से बता रहे होते हैं। तो आप अपनी आप किसी भी स्टोरी में से वो वर्ड्स लेना चाह रहे होते हैं जो आपके आइडिया से रिलेट कर रहे होते हैं, तो आप उन वर्ड्स को तो लिख देते हैं, लेकिन जो वर्ड्स या जो सेंटेंसेस आपके आइडिया से आपके टॉपिक से ज्यादा रिलेटेड नहीं होते तो उनको आप 3 dots जिनको हम एलिप्सिस कहते हैं उनसे शॉर्टन कर देते हैं। 3 dots से मुराद ये है कि आपने कुछ टेक्स्ट रिमूव कर दिया है जो कि इररेलेवेंट था, जो कि आपके टॉपिक से रिलेट नहीं कर रहा था। आपने सिर्फ वो चीज बताई है जो कि ज्यादा अहम थी और आपके टॉपिक से रिलेट कर रही थी। जैसा कि एग्जांपल है, लुक व्हाट ही सेज इन दिस पैराग्राफ, देयर फिगर्स इन द पास्ट 12 मंथ्स 3 dots कुड नॉट बी वर्स। तो 3 dots आपने इसलिए यूज किए, आपने स्टोरी शॉर्ट कर दी और ऐसे वर्ड को आपने रिमूव कर दिया जो कि इररेलेवेंट थे। इसी तरह आई लीव इट टू योर इमेजिनेशन अबाउट जस्ट हुज हेड्स आर गोइंग टू रोल, और आगे आपने 3 full stops डाल दिए कि स्टोरी आगे बहुत लंबी है, हमने उसको शॉर्ट कर दिया, जो हमारी मतलब के वर्ड्स थे वो हमने डाल दिए। तो इस मकसद के लिए आप एलिप्सिस यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका आज का टॉपिक एंड होता है। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप मुझसे किसी भी वक्त पूछ सकते हैं। शुक्रिया।